अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादीपली रेलवे स्टेशन पर और आज हम कवर करने आ चुके हैं शादीपली रेलवे स्टेशन को और साथ में जो यहाँ से ट्रेन गुजरती है, सिर्फ यहाँ तो सिर्फ एक ही ट्रेन गुजरती है बल्कि यहाँ उसका स्टॉप भी है, वो है मारवीय पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन और वो आएगी, उसका मैं आपको दिखाता हूँ अराइवल यहाँ पर और डिपार्चर दिखाते हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जुड़े रहिएगा। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुका है इसका, मारवी एक्सप्रेस का, और खोखरा पार से आ रही है इस वक्त। तो अभी इसको यहाँ से दिखाते हैं आपका अराइवल, उसके बाद इस साइड पर मीरपुर खास से फिर यहाँ से रवाना हो जाएगी मीरपुर खास की तरफ। ये इसका प्लेटफार्म नंबर 1 है जिसके ऊपर मैं इस वक्त चल रहा हूँ और सिर्फ इसका एक ही प्लेटफार्म है और साथ में यहाँ पर आबादी है कुछ और साथ में बारिशें आपको पता है काफ़ी हुई हैं और यहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो ये भाई कुछ मंजर हैं इस रेलवे स्टेशन के और पैसेंजर खड़े हुए, सब ट्रेन आ रही है, लाइट विजिबल हो रही है उसकी पीछे से, लेकिन मैं आगे से कवर दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर डिपार्चर भी दिखाना है। दोस्तों फाइनली इस वक्त 336 डाउन मारवी एक्सप्रेस आ रही है, तो उसको दिखाते हैं आपको अभी। देख सकते हैं पैसेंजर जा रहे हैं प्लेटफार्म पर कि कहाँ कौन से डब्बे में चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ट्रेन आ रही है भाई, सिग्नल से आगे आ गई है इस वक्त, पैसेंजर कब से इंतज़ार कर रहे थे। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:11, मुकर्रर वक्त पर पहुंची है। और दोस्तों ये ट्रेन है अपने सिर्फ 3 डब्बों पर मुश्तमिल है, यानी 3 कोचेस पर मुश्तमिल है और एक लोकोमोटिव, तो टोटल ये उसका जो इंजन समेत ये 3 कोचेज हैं इसके साथ 4, और आज इसको लीड कर रहा है GMU 15 4806 के साथ मारवी पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों इस वक्त अराइवल करा है मारवी एक्सप्रेस ट्रेन ने शादीपली रेलवे स्टेशन पर और कुछ देर बाद डिपार्चर करेगी, डिपार्चर दिखाते हैं आपको। दोस्तों डिपार्चर विसल कर दिया 2 मिनट के स्टॉप के बाद, फर्स्ट विसल था ये और सेकंड विसल के साथ रवाना हो जाएगी यहाँ से 336 डाउन मारवी एक्सप्रेस अपनी मंजिल हैदराबाद की तरफ, लेकिन मीरपुर खास से समन सरकार एक्सप्रेस बनकर हैदराबाद की तरफ रवाना होगी और वहाँ से इसका जो कोड होगा 156 डाउन यानी 156 डाउन। दोस्तों सेकंड विसल कर दिया है और अब रवाना हो रही है हैदराबाद की तरफ। दोस्तों इस वक्त रवाना हो चुकी है मारवी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मंजिल हैदराबाद की तरफ और अब बाकी हम आपको दिखाएंगे इसके शादीपली रेलवे स्टेशन, उसके टिकट घर और अंदरूनी मनाजिर। दोस्तों आप लोग को एक और यूनिक बात बताऊं तो दोस्तों जो राजा उमेश सिंह थे जिनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, जो रेलवे स्टेशन था ताजपुर नसरपुर रेलवे स्टेशन वहाँ भी जाके हमने आपको वीडियो दिखाई थी वाली, तो अगर उसके बारे में बताऊँ तो दोस्तों जो राजा उमेश सिंह थे उन्होंने राजस्थान से शादीपली रेलवे स्टेशन तक ट्रैक बिछाया था, राजा की रेल जिसको बोलते हैं वो ये है, और उन्होंने वहाँ से यहाँ तक ट्रैक बिछाया था और साथ में जो यहाँ से जो शादीपली से जो हैदराबाद तक का ट्रैक है वो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छी यूनिक बात है और आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ फ़हीम भाई मौजूद हैं जो कि आज हमारी रेल फिनिंग का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फहीम। वालेकुम अस्सलाम रजा यामीन, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आज हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं इस रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन तो आपके इलाका है भाई, बिल्कुल, और ये है कि आज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं
बड़ी ठंडी ठंडी यहाँ हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है इस कस्बे के इस रेलवे स्टेशन पे आके। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रेन चल रही है, बेशक वो एक ट्रेन है अप डाउन मिला के दो, पर अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और इसको चलते रहना चाहिए। और अगर मज़ीद ट्रेन्स की ज़रूरत है चलने की तो वो भी जो है उनको भी चलना चाहिए। बिल्कुल, हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे और ट्रेनें यहाँ पर चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम रेल फेंसिंग के लिए जाते हैं तो हमारे साथ दोस्त भी मौजूद रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खादिम भाई, जो कि उमरकोट से आएँ शादीप अली रेलवे स्टेशन को कवर करने। तो अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। खादिम भाई, शादीप अली रेलवे स्टेशन पर आके कैसा लग रहा है? ये मैं यहाँ से गुजरता था जब, तो मुझे शौक़ था कि यहाँ पे आऊँ और स्टेशन दिखाऊँ जी। तो आज एक शख्सियत यूट्यूबर फहीम भाई आए हमारे साथ, तो हम उनके साथ आ गए हैं जी। जी, यहाँ फहीम भाई भी साथ है। बिल्कुल, और स्टेशन दिखा रहे हैं, हम भी पहली बार देख रहे हैं हम सारे, ये भी अजीब बात जी है जी। नहीं आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा। अभी रहती हैं जी जी, बिल्कुल। तो मतलब अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर आके? जबरदस्त, सही है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आपका? नहीं, वो गार्डन एक बार हुआ था। अच्छा, एक बार हुआ था, चलो कोई मतलब। अच्छा, दूसरे भाई हमारे रेल फैन है जो कि मेरे पास से तालुक है इनका, अशस भाई, मोहम्मद अशस है ना, यही ना। तो अशस भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बस बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है ये कि आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। सही सही। तो आज हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर ब्लॉग करने और रेल फैनिंग करने के लिए, तो इतनी तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस ये है कि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का और इंटीरियर सिंध का एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन आती जाती है, वो है 335 अप 336 डाउन, मारवी पैसेंजर। मीरपुर खास कोकरा पर ब्रांच लाइन पर चलती है, बस इतनी नॉलेज है, इसके अलावा नहीं। चलो सही है, ये भी हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थर्ड रेल फैन है हमारे अली राजपूत भाई, है ना, यही है ना जी। भाई रजा, क्या हाल है आप? ठीक है, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो बताएं कुछ हमारे व्यूअर्स को, यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमने एक मारवी कैप्चर करनी है, तो उसके लिए हम आए अभी यहाँ पे। कोकरा पार और मीरपुर के दरमियान स्टेशन है शादीपल्ली। बिल्कुल अच्छा है, छोटा सा है लेकिन सुकून है, खूबसूरत है, पुरसकून रेलवे स्टेशन है। हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसलिए इसको कैप्चर करेंगे अभी। बाकी ये कि आप वीडियोस में देखेंगे जी, मज़ा आएगा आपको। तो बस अपने चैनल का नाम बता दें ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें आपके। मेरे चैनल का नाम है रेल फैनिंग एक्सप्लोरर। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा नाम है, लाजमी इसको फॉलो करें। बिल्कुल सब्सक्राइब। तो भाई अपने चैनल का नाम बता दें ताकि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेल फैनिंग विद अशस। रेल फैनिंग विद अशस। अच्छा, अशस डिफिकल्ट नाम है अपने नाम। भाई मुझे तो एक साल लगा है। हाँ, आप तो भाई बड़े यूट्यूबर हैं, मशहूर यूट्यूबर हैं आप तो। आप तो हमारी सपोर्ट करें भाई, आप तो बड़े यूट्यूबर हैं, आपके तो 10K से ऊपर सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। तो खूबसूरत मौसम में हम इस वक्त रेल फैनिंग कर रहे हैं शादीप अली रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं आप लोग, एक पुरसकून रेलवे स्टेशन, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रेलवे स्टेशन पर। कुछ दोस्त भी मौजूद हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों सामने ही आप लोग को दिख रही होगी ईदी साहब की तस्वीर भी लगी हुई है, और ये सामने बिल्डिंग के मनाजिर हैं, और यहाँ पर ये जो ऑफिस है ये अभी इस वक्त बंद है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ भी है नोटिस यूज़, और ये नोटिस बोर्ड, और साथ में ही यहाँ पर देख सकते हैं ईदी साहब की तस्वीर। और आगे चलते हैं, आप लोग को आगे हुए भी मनाजिर दिखाते हैं। तो ये सामने हम आ चुके हैं इसके मॉल में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है टिकट घर, जहाँ से आप लोग टिकट आसानी से ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ हिदायत भी दर्ज हैं। तो ये इसका वो स्टेशन के नाम है, और जहाँ से ये ट्रेन मीरपुर खास हैदराबाद के दरमियान जहाँ तक चलती है उसके रेलवे स्टेशन के नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो ये टिकट घर के साथ लगा हुआ है, और ये सामने एक और नोटिस बोर्ड लगा हुआ है साइड पर, और ये वेटिंग रूम है दोस्तों, ये वेटिंग रूम है, और यहाँ से बाहर के मनाजिर देख सकते हैं आप लोग। और ये साथ में यहाँ पर लियाकत अली खान साहब की भी तस्वीर लगी हुई है, और साथ में ही यहाँ पर एक और तस्वीर लगी है ईदी साहब की, और सामने नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं दो तीन और, और ये इसके सहन के मनाजिर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हैं मनाजिर दोस्तों, ये है शादीप अली रेलवे स्टेशन के बैक साइड के मनाजिर,
और बिल्डिंग के जो बिल्डिंग है इसके बैक साइड के मनाजिर, यहाँ भी बारिश हुई थी तो इसकी वजह से यहाँ भी पानी खड़ा हुआ है अभी तक। और ये बैक साइड के बिल्डिंग के मनाजिर आप देख सकते हैं, और साथ में इस साइड भी पानी मौजूद है, और सामने आबादी है स्टेशन के बिल्कुल सामने, और दोनों तरफ पानी ही पानी है। और यहाँ से मुसाफिर अंदर इंटर होते हैं रेलवे स्टेशन के, और यहाँ से फिर हॉल के अंदर आ जाते हैं, फिर यहाँ से अंदर आते हैं तो सामने प्लेटफार्म नंबर 1 होता है, और यहाँ पर कुछ दोस्त भी वीडियोस वगैरह बना रहे मेरे, तो ये देख सकते हैं। और दोस्तों साथ में यहाँ पर शहीद मिलत लियाकत खान साहब की भी तस्वीर लगी है, और अल्लामा इकबाल साहब की भी तस्वीर लगी हुई है, और साथ में ही यहाँ पर सर सैयद अहमद खान की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये 3 तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, और आगे भी कुछ तस्वीरें यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है जश्न आज़ादी मुबारक, और ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ऑफिस था, और ये दफ्तर स्टेशन मास्टर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ शादी पली के एक मुकामी शख्स मौजूद हैं, तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई आपका नाम क्या है? प्रकाश। तो आपको इस रेलवे स्टेशन से कोई फ़ायदा होता है, यानी यहाँ ट्रेन चलती है उनसे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? बहुत ही फ़ायदा है, वैसे हमारा आते बहुत लेट है। जी जी, वो तो फ़ायदा बहुत है गाड़ी का जी, क्योंकि हम लोग जाते हैं और सुबह में मतलब शाम में रात में पहुँचते हैं हम लोग, ठीक है, फिर सुबह में निकलती है 8 बजे 30, ठीक है, और 9 बजे यहाँ पे मतलब शादी पली में पहुँचते हैं हम लोग अपने, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा है ट्रेन का। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर और ट्रेनें चलें? ये एक शाह लतीफ़ चलाए तो बेहतर है जी, मगर एक ट्रेन चले वही बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, एक टाइम जो ट्रेन हो एक टाइम पे भी नहीं पहुँच रही ज़्यादा करके जी, ठीक है, जो टाइम है इसका 6:15 का, वो टाइम आप कितने टाइम पे 9 बजे आ रही कभी 10 बजे नहीं है। पैसेंजर यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं। अच्छा ठीक है ना, कोकड़ो पार वाले बंदे आते हैं, पैसेंजर बैठे रहते हैं, लेडीज। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसेंजर परेशान होते हैं ट्रेन लेट आती है तो? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने मेरे से पूछा है तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डीएस से हमारी यही गुजारिश मतलब बोलने का है कि आप यहाँ पे जो पैसेंजर जो भी आते हैं कोकड़ो पार छोड़ के न्यू छोड़ के, तो वो बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे, समझा, बच्चों के साथ परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो रात को 10 बजे आती है कभी 11 बजे आती मतलब है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो परेशान होते हैं उनकी एक ही ट्रेन है, और अगर यहाँ पर और ट्रेन चलाई तो उनके लिए फायदा है, बहुत फायदा होगा, दिन में भी मतलब चली जाए तो बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, जो यकीनन आप सब लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।